नमस्कार, मैं हूं अन्नू सरदाना और स्वागत करता हूं आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सक्सेस मार्ग विद अन्नू सरदाना। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है, एक ऐसा मंच है जहां मैं आपकी मुलाकात कुछ अलग तरह से कुछ खास लोगों से करवाऊंगा, लाइफ को जीने के बारे में, जिंदगी कैसे जिए इस बारे में और अपनी मुसीबतों को कैसे कम करें इस बारे में। आज मेरे साथ हैं मेडिटेटर मिस्टर गौरव कौशल। नमस्कार। और मेरे साथ हैं ललित जुनेजा जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं और कैसे जो है ग्रहों से हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं और कैसे हम ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं, ये सब बताएंगे। नमस्कार। और मेरे साथ में है रतन सिंह रेसलर जी, जो कि हरियाणा में रोहतक से हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं गौरव कौशल जी से, जो मेडिटेटर हैं और कैसे जो है लाइफ में सफलता हासिल की जा सकती है मेडिटेशन से, कैसे अपनी मुसीबतों को कम किया जा सकता है। मैं खुद भी जानने का बहुत इच्छुक हूं कि कैसे मेडिटेशन से जो है जिंदगी में अपनी मुसीबतों का समाधान किया जा सकता है। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में सक्सेस मार्ग विद अन्नू सरदाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसी के साथ आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर और बहुत अच्छा मौका है मेरे लिए अपनी नॉलेज शेयर करने का, जो भी ध्यान के बारे में मैं जानता हूँ। तो मेडिटेशन एक विधा है, एक रास्ता है मेडिटेशन। अब रास्ते से पहले मैं आप ये भी बात करना चाहूँगा कि जो ध्यान के मार्ग पर चलते हैं, तो एक डिस्कशन हो रही थी उसके अंदर इनको मार्ग ही कहा गया है लोगों को। जब ध्यान की बात हम करते हैं तो लोगों के बहुत सारे इसके ऊपर मत हो सकते हैं। आप YouTube पर डालिए, Google पर डालिए, तो आपको डेफिनेशंस मिलती है ध्यान की अलग अलग, और डेफिनेशंस पर ना जाके मैं ये बात को कहना चाहूँगा कि ध्यान में लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है ये फोकस को बढ़ाता है, कोई कहता है इस तरह की मेडिटेशन करो और उस तरह की मेडिटेशन करो, लेकिन अगर साफ शब्दों में इसको कहा जाए तो ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो आपको इमोशनल कंट्रोल देता है। आपके मन के ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है, आपके शरीर के ऊपर आपका बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है ध्यान से। ध्यान को करते करते आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि शरीर के साथ साथ ये मन को भी आप ही चला रहे हैं, मन हमको नहीं चला रहा। अगर हम देखें ज़िंदगी के अंदर तो ज़्यादातर बार ऐसा ही होता है कि हम जो भी करते हैं वो मन के वशीभूत आकर करते हैं, मन ही हमको चला रहा होता है। कभी आपने देखा होगा कि लोग एक्साइटेड होकर कुछ काम करते हैं, कभी देखा होगा कि सामने की सिचुएशन, अगर उनके आसपास की सिचुएशन बदलती है तो लोग भी बदल जाते हैं, उनका स्वभाव भी बदल जाता है, कोई गुस्से में आ जाता है। कभी देखा होगा कि अगर सिचुएशन आपके अनुकूल नहीं चलती तो आप दुखी हो जाते हैं। तो इस अलग अलग तरह के इमोशंस से हमारी ज़िंदगी गुजरती है, और ज़्यादातर आप अगर एक सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लोग दुखी ही मिलेंगे। सुखी इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ध्यान का जो पहला कार्य है, और ध्यान बना किस लिए है, वो ध्यान का मतलब ही ये है कि आपका आपके मन के ऊपर वश आ जाए, मन आपके कंट्रोल में चले, आपके दिमाग के ऊपर आपका कंट्रोल हो, दिमाग आपको कंट्रोल ना करे। तो जो भी आप काम करते हैं, मान लीजिए आप एक टीचर हैं या कोई भी आप और कोई बिजनेस के अंदर है, तो सारे के सारे जो भी आपने करना है, टीचिंग करनी है, बिजनेस करना है, ये एक गैजेट के बिना नहीं हो सकता। मैं गैजेट किस चीज को कह रहा हूं यहां पर गैजेट और उस मशीन का नाम है ब्रेन। जैसे एक आदमी कहे कि मुझे खाना खाना है, खाना खाना तो बहुत सरल स्टेटमेंट है, खाना खाना है, सब कहते हैं खाना, लेकिन खाना एक ऑर्गन के बिना आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो है लिवर। तो आदमी को खाने और लिवर, इन दोनों को लेकर चलना होगा कि आपका खाना ऐसा हो जो लिवर पचा सके। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खा सकते जो हमारे लिवर के अनुकूल ना हो। कई बार आपको देखते हैं कि हम कुछ उल्टा चीज़ खा लेते हैं तो आदमी उल्टियाँ करने लग जाता है, तो लिवर खाने से संबंधित है। ऐसी हमारी ज़िंदगी में जितने भी कार्य हैं, इवन सांस लेना तक हमारे दिमाग से संबंधित है। हमारा दिल अगर धड़कता है, हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो भी क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इनको कंट्रोल कर रहा है, कमांड दे रहा है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये बहुत ही बड़ा और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है हमारा ब्रेन। हम जो सोच रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, वो अपने ब्रेन से ही कर रहे हो। तो अगर आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है तो ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो। अब बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ मैं क्योंकि ये सब याद है या इसके अंदर भाषा का रोल है, नहीं, इसके अंदर फिर मेरी सोच का रोल है। तो आपकी ज़िंदगी का मतलब है आपका ब्रेन कैसे कार्य करता है। आप किसी भी डायमेंशन को ले लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट को ले लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण रोल है ब्रेन का। ब्रेन के कार्य को हम मन बोलते हैं। ये अगर कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी खुशी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप ज़्यादातर देखेंगे हम दुखी रहेंगे और बहुत सारे चक्रों में फंस जाएंगे। तो
इमोशनल कंट्रोल लाना, अपने ब्रेन को अपने वश में करना, बॉडी को अपने वश में करना, ये ही ध्यान की समरी है, यही इसका एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का एक वर्ड मैंने अपने एक मित्र से सीखा, तो उसकी हिंदी हुई सार। ध्यान का यही सार है कि अपने ऊपर अपना कंट्रोल लेके आना। अब इसकी बहुत सारी विधाएं हैं, ऐसा मैंने सुना है, इसका श्रेय कतई मुझे नहीं जाना चाहिए, मैं कैमरे के ऊपर बोल रहा हूँ। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि भगवान शिव द्वारा रचित एक पुस्तक में 112 मार्गों का मार्ग दिए गए हैं, 112 मार्ग दिए गए हैं, 112 वेज टू अचीव एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मतलब है जब ये सब कुछ कंट्रोल में आ जाए तो लोग उसको कंक्लूड करके एनलाइटनमेंट बोल देते हैं। अब गूगल पे देखोगे बहुत सारी समरी है, बहुत सारी विधाएं दे रखी हैं इसकी, लेकिन वो सारी विधाएं एक ही ओर इशारा करती हैं कि आदमी का मन उसके वश में आ जाए। आपने कहावतें भी सुनी होगी, फेसबुक पर बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं कि मन जीता जो जग जीता, मन वश में आ जाए तो ऐसे हो जाए, अपने मन को समझाओ। अब कोई बच्चा भी दुखी हो जाए या कोई आदमी भी दुखी, उससे पूछे भाई साहब क्या हो गया, दुखी क्यों है आप, तो वो आपको कहेगा कि भाई साहब मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरा ना मन बड़ा खराब हो गया, मेरा मन दुखी है। अनु जी आप मेरी बात से थोड़ा इत्तेफाक रखते होंगे। तो मन का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, और मैं जितने भी मेरे यहाँ पर साथी बैठे हैं और भी लोग जिनको मैं जानता हूँ, जिसके जितने भी काम हैं, हम काम भी वही करते हैं जो मन को अच्छा लगता है, सोचते हैं तो करते हैं, तो सारा खेल ही भाई साहब जिंदगी का दिमाग और मन के ऊपर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी विद्या होनी चाहिए, कोई ऐसा टूल टेक्नोलॉजी, अरे भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे ये मन को वश में कैसे करा जाए, इस बात का पता हमें चल सके। नहीं तो फिर मन ही करवा रहा है, फिर आप नहीं कर रहे। एक महापुरुष आते हैं टीवी चैनल्स पर, मैंने देखा है, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूंगा, कहीं कोई रेफरेंस अगर मैंने गीता से लिया है तो मैं श्रेय गीता को दूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कृष्ण जी ने नहीं बोला, ये तो जी मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं नाम अभी नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा किन्होंने ये कहा है। उन्होंने कहा है कि आप मन नहीं हैं। अगर यहाँ पर मैं बैठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ और मैं कहूँ मैं मुँह हूँ, तो मैं मुँह नहीं हूँ, ये मुँह मेरी बॉडी का एक पार्ट है, मैं ये कपड़े भी नहीं हूँ, तो फिर मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है। हम ऐसे ही कहते हैं ना, दिस इज माई बॉडी, हम एक अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं माई प्रोनाउन का वहाँ पर। तो ये शरीर भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, तो मैं इन दोनों का मालिक हूँ, यानी मेरे को इसको कंट्रोल करना है। लेकिन कैसे, फिर बात वहीं पर आ जाती है, हम फिर अपने मुद्दे पर आते हैं कि इसको कैसे का जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, कैसे, वो है फिर से ध्यान। ध्यान नहीं किया तो आपके कुछ कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है फिर आप कर कैसे रहे हो। मान लो एक बैडमिंटन का प्लेयर है या रेसलिंग का या क्रिकेट का या मार्शल आर्ट का कोई बॉक्सर है, वो जो भी कर रहा है फिर वो मन ही कर रहा है, मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपने नहीं करा क्योंकि आप मन नहीं हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझना कि हम बॉडी नहीं है, हम मन नहीं है, ये दोनों चीज़ें हमारी हैं। जैसे कार है, वो आप उसका यूज़ करते हो आने जाने में, तो शरीर का भी तो यूज़ करते हो ना कार चलाने में और बहुत सारी क्रिया करने में, तो सीधा मतलब ये हो गया ना कि शरीर आपका है, आप शरीर नहीं हो। तो ऐसे ही शरीर के अंदर एक हमारा ऑर्गन है विच इज़ कॉल्ड ब्रेन। अब ब्रेन के जो काम है उसको हम मन बोलते हैं। तो फिर से मैं यही बात बताना चाहूँगा कि मन हम नहीं है, हमें कंट्रोल करना है इसको। वो ध्यान से 112 विधाएं दी गई है, शिवजी ने दी थी, एक पसंद नहीं है तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। ध्यान में आना, ध्यानी होना का मतलब कतई ये नहीं है। और आई थिंक जब मेरे दूसरे जो मित्र यहाँ पर हैं वो अपना अपना व्यू देंगे तो इस बात को मैं ज़रूर उठाऊँगा कि एक मिसकंसेप्शन क्लियर की जाए। वो मिसकंसेप्शन ये है कि लोग कहते हैं अगर आपने ध्यान कर रही है, ध्यान, अरे ये तो बाबाओं जैसी बात कर रहा है, कहीं यार जंगल में तो नहीं चला जाएगा। और भाई साहब इसका मतलब जंगल में जाना बिल्कुल नहीं। जब मन आपके कंट्रोल में आ ही गया तो मन आपको जंगल में भी नहीं लेके जा सकता, फिर जरूरत ही नहीं जंगल में जाने की। जंगल में लोग इसलिए जाते हैं शायद वहाँ पर उनको शांति मिले। हम कहते नहीं है, आम गृहस्थ आदमी क्या कहता है कि यार बड़े परेशान हो गए यार, बड़ा दिमाग सा खराब हो रहा है, चल यार जरा पहाड़ों में चला जाए, क्योंकि पहाड़ों में वो शांति ढूंढते हैं। जब शांति यही है तो फिर पहाड़ और ये सामान ही हो गया आपके लिए, फिर जहाँ मर्जी जाओ मौज है आपकी। छोड़ के भागना भी ध्यान नहीं है। इस बात की विस्तृत चर्चा मैं करूंगा जब इसके ऊपर कोई तर्क आएगा, या हम और इन डेप्थ इसकी चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, और भी अपने मित्रों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो भी कुछ बोलें इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया मेरे को सुनने के लिए। तो आपने सुना गौरव कौशल जी को, इन्होंने बताया मेडिटेशन के बारे में और मेडिटेशन से जो है कैसे सफलता हासिल की जा सकती है, कैसे अपनी मुसीबतों को कम किया जा सकता है, इस बारे में हमने जाना। और अभी मेरे साथ में जाने माने एस्ट्रोलॉजर ललित जुनेजा जी, जिनको ज्योतिष शास्त्र का पता है, ग्रहों के बारे में बहुत पता है और कैसे ग्रह जो है हमारे जीवन पर असर डालते हैं, इस बारे में बहुत पता है। तो आइए जानते हैं इनके विचार। अनु सदाना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया।
जिससे कि मैं ज्योतिष शास्त्र के ऊपर कुछ प्रकाश डाल सकूं, लोगों को इसके बारे में समझा सकूं कि ये क्या है। इस सौर मंडल में हमारा अस्तित्व एक कण के समान है। इस पृथ्वी पर सौर मंडल के 9 ग्रह हमारे मानव जीवन, पशु पक्षी, वनस्पति और वातावरण पर अपना प्रभाव डालते हैं। इन्हीं से हमारी जीवन शैली, लाभ हानि, दुख सुख और जन्म मृत्यु का निर्धारण होता है। जिस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए, अपने आप को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए संतुलित आहार की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को और हमारे कुंडली में खराब ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसी से अध्ययन करके हम अपने बुरा प्रभाव देने वाले ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में किस कैसे प्रभाव डालता है, इसका अध्ययन करना और का विस्तृत अध्ययन करना और बुरे ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करना और बुरे प्रभाव का निवारण करना ही ज्योतिष शास्त्र का सार है। संबंध की बारीकियों को जानना ही ज्योतिष शास्त्र, और ऐसा आज से नहीं हजारों वर्षों से चलता आ रहा है। आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, अक्सर बच्चों की किताबों में ये मिल भी जाती है, एस्ट्रोनॉमी। जितनी भी खगोलीय घटनाएं हैं उनका इंसानी जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ता है उसे जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और आज यही मैं आपको बताऊंगा कि कामयाबी और ग्रह, इन दोनों का गहरा संबंध कैसे है और ज्योतिष किस तरह परम सहायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुना ललित जुनेजा जी को, जो कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और उन्होंने हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया कि ज्योतिष शास्त्र जो है कैसे हमारी ज़िंदगी में ग्रह सितारों को कंट्रोल करता है और कैसे जो है इसके बारे में, इसको जान के हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकते हैं और अपनी मुसीबतों को कम कर सकते हैं। और इसी में अभी हम मुलाकात करेंगे रतन सिंह जी से, जो कि एक रेसलर हैं, हरियाणा में रहते हैं। नमस्कार जी, अनुश्रद्धाना जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो आपने इस प्रोग्राम में मेरे को बुलाया। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, न तो मैं कभी ज्योतिष के पास गया और न ही मैं कभी मेडिटेशन के पास गया। मेरे को किसी पहलवानी के बारे में कुछ पहले पता नहीं था इतना। मैंने पहले कुश्ती देखी, दंगल होते थे आसपास में, मैं वहाँ पे गया और देखा, मेरे को वहाँ से ही कुश्ती करने का मन में जुनून हो गया। लेकिन मैं गरीब परिवार से हूँ, इसलिए मैं कुछ फर्स्ट में कर नहीं पाया। बाद में फिर मैंने दसवीं करने के बाद में एक जो भर्ती करवाते उनके पास गया, भर्ती, उसने मेरा कद मापा और मेरी ये चेस्ट, मेरे में वजन भी बहुत कम था, थोड़ा सा कमज़ोर था। मेरे को हाइट में भी ये बोल दिया कि भाई हाइट भी कम है और अब मैं एक ही चीज़ में आपको पास करवा सकता हूँ, या तो चेस्ट में या हाइट में। आप ऐसा करो, थोड़े बहुत दिन मेहनत कर लो और या कुछ और अपना खा पी लो। तो फिर मैं बाद में गर्भ जाके मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो पापा बोले भाई ठीक है, तेरे जो मन में आए वो ऐसा कर लो। कि मेरा एक रिश्तेदार रोहतक सुरेश वाले अखाड़े में रहता था, मैंने वहाँ पे उनसे जाके बात की। तो फिर वापस घर पे जाके मैंने पापा को बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वहाँ पे रह रहा हूँ और मैं वहाँ पे ठीक हो जाऊँगा। वहाँ जाके मैंने अखाड़े में चला गया, वहाँ पे मैंने खूब मेहनत करी और मैं यही कह सकता हूँ आपको, भाई मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। जो कुछ है मेहनत से ही होता है। इसमें आप कुछ भी लगा लो, या बिजनेस में लगा लो, या भाई आप किसी पढ़ाई में लगा लो, या आप किसी भी गेम में लगा लो। अगर ज़िंदगी में सफलता पानी है तो सबसे पहले वर्कआउट है। वर्कआउट के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर आप वर्कआउट करोगे तंदुरुस्त रह सकता है, खा पी अच्छी तरह सकता है, सो अच्छी तरह सकता है, कोई भी मन में कोई भी मतलब गलत विचार नहीं आएंगे, भाई मैं ऐसा करूं वैसा करूं, जो भी टेंशन है वो दूर हो जाती है। आपस में एक दूसरे से बात भी अच्छी तरह से करेगा, भूख भी अच्छी तरह से लगेगी उसको। और जो भी प्लेयर हुए हैं, ये योगेश्वर को लगा लो, सुशील पहलवान को लगा लो, और साक्षी मलिक हैं, और जो भी क्रिकेट के प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर जी थे, सहवाग जी थे, मैरी कॉम बॉक्सिंग में थी, और बिजेंद्र जी थे, ये भी मन से ही हुए हैं। जो भी वर्कआउट जितना हार्ड किया उन्होंने उतनी ही सफलता मिली उनको। आप किसी भी बिजनेस में देख लो, आप पढ़ाई में देख लो, जितना भी आदमी बच्चा ज़्यादा पढ़ेगा उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे उसको।